हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं। इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल भी नहीं है, आसानी से आ सकती है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जब इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश अंदर को जो भी हम चैप्टर करेंगे, टेंस करें, मोडल्स करें, पैसिव वॉइस करें, कनेक्टर्स करें, डिग्री करें, कोरिलेटिव करें, जो भी हम करेंगे, तो उसमें हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। इंग्लिश के मेन जड़ मेन बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, इसी पर आधारित है। जब हमें सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो हम एक सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो इसलिए बनाया गया है आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की बनावट, वाक्य का ढांचा। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में से कहते हैं जुमले की बनावट, हिंदी में कहते हैं वाक्य का ढांचा। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बारे में पता हो तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और ये सेंटेंस के शुरू में आता है। द पर्सन हु इज वर्किंग दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो भी काम करने वाला है, इंसान हो, जिन्नात हो, चुड़ैल हो, भूत हो, जानवर हो, आत्मा हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, कोई भी हो, अगर वो काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। हाथी केला खाता है, काम कौन कर रहा है? हाथी। हाथी सब्जेक्ट है। अम्मी खाना बनाती है, काम कौन कर रहा है? अम्मी। अम्मी सब्जेक्ट है। मेरी बहन कपड़े धोती है, काम कौन कर रहा है? हाउस वर्किंग। मेरी बहन। तो मेरी बहन सब्जेक्ट है। ये सब शुरू में